तो गाइज ये है हमारा क्रॉस बीट आईजी नाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईजी नाइट एनजी एजी स्मार्ट वॉच। इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइज इसी स्मार्ट वॉच को मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि अपने फोटो को अपने स्मार्ट वॉच में कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि स्मार्ट वॉच में अपना खुद का फोटो लगा के रखते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ अपने स्मार्ट वॉच को। तो यहाँ पर हमारा क्रॉस बीट यहाँ पर लोगों दिखाई दे रहा है और उसके साथ में ओपन हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, मैं इसके ब्राइटनेस को अभी पूरा फुल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ब्राइटनेस फुल हो चुका है। तो देख सकते हैं जो इसका थीम्स है गाइज, यहाँ पर बहुत सारे थीम्स अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं जैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको फ़ोटो लगा के बताऊँगा कि अपने यहाँ पर आप डिस्प्ले पर फ़ोटो कैसे लगाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर आ जाना है। तो यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाएंगे तो हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं द फिट। तो द फिट हम जब सर्च करेंगे गाइज तो यहाँ पर आ जाएगा द फिट। यहाँ पर देख सकते हैं कि द फिट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देख सकते हैं। तो द फिट तो मैं पहले से इसे इंस्टॉल करके रखा हूँ, देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन है मेरा, इसका मतलब मेरा पहले से ही डाउनलोड है। द फिट एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं गाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं द फिट एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो यहाँ पर प्रोफाइल जो ऑप्शन मांगेगा, सबसे पहले ओपन करने पर हमें यही ऑप्शन मांगेगा, देख सकते हैं प्रोफाइल का। यहाँ पर आपको मांगेगा जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट, मतलब यहाँ पर आप सभी को पूरा अपना कर लेना, उसके बाद में अलाउ कर देना है। तो उसके बाद में हम यहाँ से फिर उसके बाद में बीच में देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्मार्ट वॉच का लोगो। तो इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर हमारा एड ए डिवाइस दिया है। तो एड ए डिवाइस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, तो हम इसे अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पर अलाउ करने पर देख सकते हैं कि मेरा अभी सर्चिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई जी नाइट एन जी ए जी, तो यही हमारा स्मार्ट वॉच है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, अलार्म, शूटर, वाउदर ऑप्शन दिया गया है अपग्रेड का। तो सबसे पहले हम अपने स्मार्ट वॉच के जो थीम्स है यहाँ पर अपना फोटो लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको वॉच फेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब हम बीच के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे स्मार्ट वॉच के लोगों पर, तो यहाँ पर हमें एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। एडिट के ऑप्शन दिखाई देने के बाद यहाँ पर सेट वॉच फेस यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, सेट वॉच फेस, इसका मतलब हम डिस्प्ले पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, किसी को भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अभी देख सकते हैं कि मेरा ये वाला भी सेट है, तो मैं यहाँ पर ये सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सेट करने के बाद सेव कर देता हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ कि ये सेट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग देख सकते हैं गाइज, यहाँ डाउनलोडिंग हो रहा है। तो ये डाउनलोड होने के बाद अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह का यहाँ पर दिखा रहा था उसी तरह का यहाँ पर भी आ चुका है डिस्प्ले पर स्मार्ट वॉच के। तो यहाँ पर उसके बाद में हम अपना फ़ोटो लगाते हैं कि किस तरह अपना फ़ोटो लगाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे हम साइड में करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एट वॉच फेस, जो कि जो सिस्टम में दिया रहता है स्मार्ट वॉच के, वो वाला ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमारा गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, तो हम गैलरी के ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर गाइज जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोटो है यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट का ऑप्शन दिया गया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पर सेव करने के बाद स्विच अप बैकग्राउंड हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो है अभी डाउनलोड हो रहा है, देख सकते हैं स्मार्ट वॉच में। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अभी सेट हो चुका है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है मेरा फ़ोटो। तो इसे ओपन करेंगे तो गाइज यहाँ पर भी मेरा फ़ोटो दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्मार्ट वॉच है उसमें मेरा फ़ोटो लग चुका है थीम्स पर। तो इसे चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बगल में दिया रहेगा इधर में आपको मिल जाएगा ये सारा ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो है तो इसे सेट कर देते हैं। टाइम भी दिखा रहा है 1:35, और उसके साथ में अगर डिवाइस को कनेक्ट करना है अपने, तो यहाँ पर हम डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि अगर आपको फ़ोन से बात करना है इससे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे जैसे कि ब्लूटूथ पर। तो यहाँ पर गाइज ब्लूटूथ मेरा पहले से ओपन है, तो यहाँ पर ब्लूटूथ पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एन जी ए जी ऑडियो दिया गया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर जब ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाने के बाद, तो आपका जितना भी मैसेज, यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन तो मैं आपको दिखाई दिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन पर जितना भी आपको जो भी ऑन करना हो, फ़ोन का मैसेज या फिर यहाँ पर मैसेज फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जितना भी आपको ओपन करना है आप कर लीजिए, वहाँ पर आपको स्मार्ट वॉच में सभी प्रकार के नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे देख सकते हैं मेरा
यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन दिखा रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी मैसेज आएगा सब इसमें दिखाई देगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे नए नए वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाता रहूँगा।